हेलो फ्रेंड, मेरे जीटी गार्डन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सिट्रिक प्लांट जो होता है, कागजी नींबू का प्लांट या फिर किसी भी तरह के नींबू का प्लांट, उसमें आपको ज़्यादा फ्रूट लेने के लिए, ज़्यादा फल फूल या जो भी भड़के फ्लावरिंग आते हैं उसको पाने के लिए आपको किस प्रकार आपको अभी से मेहनत करनी है, क्योंकि दिसंबर ख़त्म होते होते इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं और जनवरी में फल लग के तैयार हो जाते हैं। तो अभी से ये नवंबर ख़त्म होने वाला है, 20 नवंबर हो चुका है, तो अभी से क्या करना है जो आपको भड़के फ्लावरिंग आ रहा है। सबसे पहले इसमें कीट को कंट्रोल करना पड़ता है। तो देख रहे हैं किस तरीके से पत्ते का हाल यहाँ पे खा के ख़त्म कर दिया है। तो इसमें दो तीन दिन में हमेशा जो है इसमें ये कीट का दवाई डालते रहें। देखिए इस तरीके से तितली अंडा देती है और यही अंडा पत्ते को खाते रहते हैं। तो आप बाज़ार से कोई भी सिट्रिक प्लांट के लिए जो कीड़े लगते हैं उससे मेडिसिन ले आएंगे, 50 रुपये तक देगा। मैंने रोगहर मेडिसिन लाया था और रोगहर मेडिसिन को मैंने 1 लीटर पानी में मात्र 10 बूंद डाला और देखिए इस तरीके से वाइट हो जाता है और बहुत तेज़ गंध आती है। तो इस मेडिसिन को आपको इस तरीके से स्प्रे करना है हर एक 3 से 4 दिन में, और कम से कम 4 से 5 बार स्प्रे कीजिएगा तो आपका कीट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं बहुत गंदा महक रहा है ये, और नाक मुंह में आप कपड़ा बांध के ही स्प्रे करें तो बहुत ही ख़तरनाक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका कीट तो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना है कि इसके जड़ों में क्या करना है तो मैं बताता हूँ। देखिए ये मैंने ढक के रखा है। तो इस तरीके से फल के जितने भी प्रकार के फल के छिलके होते हैं और इसमें थोड़ा सरसों खली का पाउडर और नीम खली का पाउडर डाल देंगे सड़ने के लिए। तो इससे 1 लीटर फर्टिलाइज़र को आप 5 लीटर पानी में मिला के हफ्ते हफ्ते में इसके जड़ में देंगे और जड़ में थोड़ा गुनाई भी करेंगे तो इस तरीके से भरपूर फ्लावरिंग होगा। और एक समस्या होती है फ्लावरिंग ड्रॉप होने की, तो जब इसमें पूरा फ्लावरिंग हो जाएगा तो आप बिल्कुल पानी देना बंद कर देंगे पौधे में, और हल्का सा जब पौधा मुरझाने लगेगा तभी आप ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी देंगे। इतना काम कीजिएगा तो आपका नींबू छोटे से पौधे में एकदम बहुत सारे नींबू भर जाएंगे। और इससे मैं आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वीडियो में मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इससे मैंने 50-50 नींबू हार्वेस्ट किए एक ही बार इतने से प्लांट में। और साइड में मिर्ची लगा हुआ है, मिर्ची तो अनलिमिटेड तोड़ के मैंने दिखाया है। तो इस बार नींबू देखते हैं कितना लगता है और मैं आपको बताऊंगा भी वीडियो बना के। बाकी और भी प्लांट है, मैं सब में पानी दे देता हूँ, एप्पल वेयर, चीकू वगैरह, चेरी वगैरह। और एप्पल वेयर में देखिए इस तरीके से फल लग चुके हैं और ये रेड एप्पल वेयर हैं लंबे वाले, ये देखिए। और गोल वाले भी एप्पल वेयर दिखा देता हूँ। अभी बैगन में भी दवाई देना ही पड़ता है, आपको पता ही है बिना दवाई का पौधा नहीं होता। एप्पल वेयर देखिए इस तरीके से यहाँ भी लगा हुआ है। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चेरी तो अनलिमिटेड खाया है, चीकू इस बार देखते हैं बनता है ही नहीं। तो नींबू के पौधे में आप इतना काम जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।